हैदराबाद के दिलसुख नगर ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने सभी दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने आईएम सदस्य यासीन भटकल समेत सभी 5 दोषियों के लिए फांसी की सजा सुनाई है। भटकल के अलावा अन्य जिन 4 लोगों को यह सजा सुनाई गई है वे सभी आईएम से जुड़े हुए हैं। एनआईए कोर्ट ने इससे पहले 13 नवंबर को इन लोगों को मामले में दोषी पाया था। आपको बता दें कि शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके दिलसुख नगर में 21 फरवरी 2013 को कोणार्क और वेन कतादरी थिएटरों के पास 2 जबरदस्त धमाके हुए थे जिसमें करीब 18 लोगों की मौत हो गई थी और 131 लोग घायल हुए थे। ये बम 2 अलग अलग साइकिलों पर लगाए गए थे जिसके बाद इस मामले में 6 महीने के बाद यासीन भटकल और असदुल्ला अख्तर को बिहार नेपाल बॉर्डर के पास रक्सौल इलाके से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले का मुख्य आरोपी इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक रियाज भटकल अभी भी फरार है इसलिए उसके मामले को शेष मामलों से अलग कर दिया गया है। तो आज हैदराबाद के इन गुनाहगारों की सजा का ऐलान हो गया है जिन्होंने 21 फरवरी 2013 की रात मौत का खूनी खेल खेला था और 18 लोगों की जिंदगियां छीन ली थी। देखते रहिए डीबी लाइव।